Tenenge la daf swa mimang sama la juli, assalamualaikum. Tenen daf sara ngi jat sami social media ka ya ngata video message gute ya apex nang kedie ngata press release nate sama ngi jat sami 68 do. Tene tenna ve skor la tene individually ta eze anjuman monul islam iti pet sokla. Tene ngiang iwo ngi jat sama la juain ngi iu man ki sirip ngara community meet sama azete. ये पूरे लद्दाख पत्सांग में भिया इनकी नारा छोस ने कि भाई नाता वो लद्दाख से यौंगचेस जाने फ्यूचर भिया नाता है माने ठुगने ठुगने छमे छमे भिया नाता है तो दोन जी खसपा छमे के डीए सुखते एपेक सुखते नाता छमे संबाता से इका इ नाता 4 पॉइंट एजेंडा नाता है नाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा नाता रेडी ने छोला दे जा दिसंबर जी जगह अगर मीटिंग सो टेस्टिंग ने खों है इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नता खों है यू टोंग से तो नोटियो टांग्स टेस्टिंग ने तेरे नता यंग जंग देव का लांजिक माले बानो मिले चीज पे जाते तेरे दांग ये तो मजा जम्मू नंग दिल्ली उन ला मीटिंग सो ते इन्ना का बाप जो पिन कि तांग ता छिरका जी को जुक चेंटे छिरका हो तेरे नता है ले नंग करगिल ने नता याला दस गांपो ने तेरे को जुक चोस्ते तेरे नता दिल्ली जम्मू का सामाला नता कारु इस पर और ठोचो होशेस जो तेने तेस पर ठोचुन कि नजा लदास पाउन ला इजुक चलक से होशेस दुख तेने लदा लचा होशेस दुख से कान मुमता छमल ग्रिसिनो कि नता लदा सुमाने यंग नता गगरे युल गुन्ना पो नता तेओ ना पो दंडा जिगिन मानो मन सोसो चि छमा सोसो गिनो तेने इ उस्कोप से से इ पॉइंट यु माथोप नने तेने लदास को लदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 3 साल से केडीए और एपेक्स बॉडी लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर, लद्दाख के मुस्तकबिल को लेकर, लद्दाख के जवानों के रोजगार के मसाइल को लेकर, हमारी अपनी जो सियासी इख्तियारात थे उनको लेकर 4 पॉइंट एजेंडा के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कई बार हम बातचीत कर चुके हैं और ये 4 पॉइंट एजेंडा सारे लद्दाखियों के लिए वाज़ह है कि हम चाहते हैं लद्दाख को रियासत का दर्जा दिया जाए जिसमें कानून साजी हो, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर हो, जिसमें जुडिशरी हो। इन चीजों के लिए हमने लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और लद्दाख की जमीन के तहफ्फुज के लिए, लद्दाख के जवानों के रोजगार के तहफ्फुज के लिए, सकाफत कल्चर तहजीब तमद्दुन और इलाके के तहफ्फुज़ के लिए 6 शेड्यूल की हमने डिमांड की। जब बेरोजगार जवानों को नौकरी और नौकरी से मुताल्लिक लद्दाखियों के जरिए ही चलाए गए, चाहे वो SSRB के पैटर्न पे लद्दाख के लिए SSRB बनाना हो, गेजेटेड पोस्ट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना हो, साथ ही साथ उसमें सिर्फ लद्दाखियों के लिए हो LRC की कंपलसरी और उसकी जरूरत के लिए, तीसरी पॉइंट ये थी। और चौथी पॉइंट, लद्दाख चूंकि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे फैली हुई एक बहुत बड़ा इलाका है, इसमें सिर्फ एक ही पार्लियामेंट की सीट से लद्दाखियों की मरकजी हुकूमत में पूरी तरह से नुमाइंदगी नहीं होती है। इसलिए हमने डिमांड की है लेह के लिए अलग और करगिल के लिए अलग पार्लियामानी सीट दी जाए और साथ ही साथ राज्यसभा के लिए जो अपर हाउस है एक सीट लद्दाख के लिए मखसूस की जाए। इन चारों डिमांड्स को लेकर होम मिनिस्ट्री के साथ हमारी 3 मीटिंग हो चुकी है और रिसेंटली अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी दिसंबर में,
इन्हीं एजेंडे को एपेक्स और केडीए के मेंबरों ने जो हाई पावर कमेटी बना लिया उनके सामने रखी और लास्ट में नित्यानंद राय जी और होम सेक्रेटरी ने कहा कि आपके ये जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसे डॉक्यूमेंटेशंस के जरिए आप लेके आइए, फिर इसके बाद हम दिसंबर जो हमारी विंटर सेशन थी उसके फौरन बाद हम आप लोगों को बुला लेंगे और इस एजेंडे पे हम बात करेंगे। विंटर सेशन खत्म हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेशंस भी एपेक्स और केडीए ने ज्वाइंट डॉक्यूमेंटेशंस बना के वो भी हमने सबमिट की है और अभी तक वहां से कोई भी पैगाम नहीं आया है। इन्हीं चीजों को लेकर लद्दाखी आवाम फिर एक बार सड़कों पर है। एपेक्स ने लेह में लेह चलो की काल दी है 3 फरवरी के लिए और केडीए ने करगिल में करगिल बंद की काल दी है। तो हमारी लद्दाखी आवाम से हाथ फोल्ड करके 10 बस्ता गुजारिश करते हैं कि लद्दाख के फ्यूचर के मद्देनजर, मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए, जवानों के रोजगार के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए, जमीन पे अपनी हकों उसको मद्देनजर रखते हुए लद्दाख के लिए किस्म की कानून साजी हो और ये कानून साजी लद्दाखी करे, जो भी फंड्स आती है उस फंड को यूटिलाइजेशन लद्दाखी करे, एग्जीक्यूशंस लद्दाखी करे और साथ ही साथ ओवरऑल जो डिसीजन से फैसला साजी का इख्तियार भी लद्दाखियों के लिए हो और लद्दाख को जो हुकूक मिलनी चाहिए थी आईन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत, उन्हीं हुकूक की बाजियाबी के लिए 3 तारीख 3 फरवरी का दिन मुअय्यन किया है। सारे लद्दाखी आवाम से गुजारिश है कि वो अपनी इस जद्दोजहद के लिए अपना कौमी फरीजा मानते हुए अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसला मानते हुए लेह में लेह चलो को बड़े पैमाने पर लेह के आवाम से भी और लेह में मौजूद करगिल के आवाम से भी गुजारिश है कि लेह चलो को बड़े पैमाने पर आप कामयाब कर लें, साथ ही साथ करगिल में करगिल के आवाम से जितने भी सियासी इदारे हैं, मजहबी इदारे हैं, समाजी इदारे हैं, स्टूडेंट्स यूनियन है और बिलखसूस हमारी जो बिजनेस क्लास है, ट्रेड यूनियंस हैं, तिजारती इदारे हैं, चाहे वो दुकान की शक्ल में हो, होटल की शक्ल में हो, रेस्टोरेंट की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, सारे ट्रेड यूनियंस से, सारे बिजनेस कम्युनिटीज से गुजारिश है और जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, चाहे वो ट्रक एसोसिएशन हो, चाहे वो बस एसोसिएशन हो, चाहे वो आपका मिनी बस हो, चाहे वो आपकी टैक्सी यूनियन हो, चाहे आपका ओमनी यूनियन हो, इन सारी यूनियन से गुजारिश है कि 3 तारीख को जो करगिल बंद की काल दी है केडीए ने उससे बड़े पैमाने पे कामयाब कर ले। साथ ही साथ न सिर्फ हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जितने भी हमारी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे भी सभी आवाम से हम गुजारिश करते हैं, सभी यूनियन से, सभी एसोसिएशन से, सभी इदारों से हम गुजारिश करते हैं ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे भी इस बंद को, इस काल को कामयाब करके मरकजी सरकार को एक वाज़ह पैगाम दे दे कि लद्दाखी आवाम आपके इस एटीट्यूड से, आपके इस लेतोलाल वाली डिसीजन से खुश नहीं है और हम चाहते हैं लद्दाखी आवाम के जो नुमाइंदा है वो एपेक्स बॉडी और केडीए, इनको जल्द से जल्द बुला के लद्दाखी आवाम के इस 4 पॉइंट एजेंडे पे फैसला करें और जल्द करें। अगर ये नहीं हुआ तो ये सिर्फ आपको लेह चलो या लद्दाख करगिल बंद तक नहीं रहेगी, इसके बाद आपको कंटिन्यूसली लद्दाखी आवाम आपको सड़कों पर दिखाई देगी और हर किस्म के कानून के तहत जो इन्हें इख्तियारात मिली है उस एहतजाजात को बरसरकार ले आएंगे। फिर एक बार करगिल के आवाम से और लेह के आवाम से गुजारिश करता हूं कि इस चलो और
बंद के काल को भरपूर कामयाब करें। खुदा हम सबों को अपनी कौम और मिल्लत की खिदमत करने की और अपनी कौम और मिल्लत के मफादात के तहफ्फुज़ करने की तौफीक इनायत करें।